लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम हो जाएगी खत्म। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तमाम सीटों समेत 10 रियासतों की 96 सीटों पर 13 मई को होगी वोटिंग। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मराहिल के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर। बीजेपी के स्टार कंपेनर्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और झारखंड में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। भारतीय जनता पार्टी के तमाम तजुर्बेकार लीडर बड़े पैमाने पर चला रहे इंतखाबी मुहिम। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और बिहार में करेंगे रैलियां, जबकि राजनाथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी यूपी में करेंगे रैली। अपोजिशन ने भी इंतखाबी मार्के में झोंकी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में, जबकि प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में करेंगी अवामी मीटिंग। तेजस्वी यादव बिहार में बड़े पैमाने पर चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। दिल्ली एनसीआर में जुमे की रात अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ तूफान के सबब दर्जा हरारत में आई कमी। महकमा मौसमियात ने की उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में हल्की से औसत बारिश की पेशगोई। खेलों में नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में पहली पोजीशन से रहे महरूम। नीरज ने 88.36 मीटर थ्रो के साथ भाला फेंक मुकाबले में दूसरा मकाम किया हासिल। जेवलिन थ्रो में चेक जमहूरिया के जैकब पॉटलिश 88.38 मीटर के थ्रो के साथ रहे पहले नंबर पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मराहिल के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में वजीर आजम आज दो रियासतों में रोड शो करेंगे। वजीर आजम बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में आज ओडिशा और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वजीर आजम ओडिशा के कंधमाल में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद वजीर आजम दिन के 12:15 बुलंदगिरी में इंतखाबी जलसा करेंगे। वजीर आजम की आज की तीसरी और आखिरी रैली दिन के 2:15 बारगढ़ में होगी। ओडिशा में रैलियां करने के बाद वजीर आजम झारखंड जाएंगे, जहां वो शाम 5:00 चतारा में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। और बीजेपी के तमाम लीडर 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए एक के बाद एक इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रोड शो करने वाले हैं। राजनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत की हिमायत में रोड शो करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बिहार और उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैलियां करेंगे। वो बिहार के बेगूसराय और उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी यूपी में इंतखाबी रैली करेंगे। धामी कानपुर में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। और लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर नामजदगी दाखिल करने से पहले विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। अपोजिशन ने भी इंतखाबात के बकिया मराहिल के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में आवाम से अपने उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील करेंगे। राहुल आज सुबह YSR घाट जाएंगे, जहां वो YS राजशेखर को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। उसके बाद वो कडप्पा में जलसा आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियां जमकर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। RJD लीडर तेजस्वी यादव भी जमकर मुहिम चला रहे हैं। वो आज बिहार में 5 रैलियां करेंगे। तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। पंजाब के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान आज दिल्ली में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी तशहीर करेंगे।
गुज़िश्ता चार दहाइयों से हैदराबाद की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखने वाले ओवैसी ख़ानदान को पहली बार सख्त जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे है माधवी लता, जो हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर AIMIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का रास्ता रोकने के लिए भरपूर मुहिम चला रही हैं। माधवी लता, जो ओवैसी ख़ानदान के चार दहाइयों के जादू को तोड़ने के लिए पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं, ओल्ड सिटी हैदराबाद में लोकल बस में सवार होकर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने माधवी लता से खास बातचीत की। हैदराबाद की बिरयानी का स्वाद जितना स्वादिष्ट है उतना ही रोमांचक है। यहाँ सियासी राजनीतिक समीकरण भी बन गया है, किस तरह की मिठास चुनावी प्रचार में चल रही है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता। माधवी जी, लगातार आप प्रचार कर रही हैं, कैसा सूरत हाल है चुनाव का? लेकिन आपका और एक बात मुझे बताना पड़ेगा, आपने सिर्फ बिरयानी की जिक्र की है, आपने ढोकले के जिक्र नहीं की, आपने कचौरे के जिक्र नहीं की है। ये सारे हमारे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में मिलते हैं, 18 प्रकार की भाषा बात करने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं। आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो बहुत जोर से चल रहा है, जम से चल रहा है, लोग बड़े जोश में हैं, अब की बात सच्चाई को न्याय को जिताने पे ठान लिए हैं। यहाँ पर बात करें तकरीबन 5,40,964 के करीब मतदाता के बोगस नाम थे, वो भी उड़ा दिए गए, ये क्या कारण था और क्या कौन थे ये मतदाता? जी मैं एक ही बात बता सकती हूँ, यहाँ के लोगों में जो भड़काऊ भाषण लेके आकर लोगों के बीच में दरार जो पैदा करते हैं वो सही बात नहीं होता। कोई भी लड़ाई, यानी कि मेरे कहने का मतलब है इलेक्शन मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए, तरक्की के नाम पे होना चाहिए। आप यहाँ चुनावी मुद्दे कौन कौन से देख रहे हैं? मैं देख रही हूँ, या देखिए यहाँ पर एक है जैसे कि रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे ड्रेनेज का पाइपलाइन ठीक तरह से नहीं रहते, यहाँ पानी वक्त पे नहीं आता है, यहाँ पे लाइट नहीं जलते हैं, या कई सारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस का, स्कूल्स का यानी कि बहुत ज़्यादा रेट्स फीस ज़्यादा होता है। रोड पे कई प्रकार के इतने कचड़े कुंडे, आप यकीन नहीं करते हो, तकरीबन 2,500 कचड़े कुंडे सिर्फ हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट में हैं, जो इस पार्लियामेंट के शान है। सियासी गर्मी तेज है और जो सियासी राजनीतिक समीकरण है उनको भी भाषण और जुमलों के जरिए इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे सियासी और तीखे तेवरों पे? देखो मैं एक ही कहना चाहती हूँ सभी से, बच्चे इस देश के बच्चे होते हैं, मजहब उनकी निजी मामला होती है, खास कर गरीब अनपढ़ नौजवानों को जब आप भड़काते हो तो जाके उनके माता से पूछिए, उनके वालिदा से पूछिए, उनको कितना दुख होता है जब ये लड़के बाहर निकल के दंगे फसाद में उलझ जाते हैं। तो ये थे हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता, जिनका मानना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वो न केवल प्रचार कर रही है बल्कि बस में, गली में, कूचे में, मोहल्ले में हर व्यक्ति के पास एक एक मतदाता को टटोल कर विकास के जरिए राष्ट्र की राजनीति को नई दिशा देने के लिए अपनी जीत का दावा भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आनंद और राजेश्वर के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज हैदराबाद। चार बार के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर हैदराबाद लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओवैसी अपनी सीट पर बरकरार रहेंगे या हैदराबाद का निज़ाम बदलेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी बड़ी वजह ओवैसी को बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की तरफ से सख्त चैलेंज है, इसीलिए ओवैसी शदीद गर्मी में भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने हैदराबाद के चार मीनार इलाके में इंतखाबी मुहिम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की। हमारे साथ MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी मौजूद है, ये लगातार हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, ये बात करते हैं। सर, आपकी जीत का क्या समीकरण रहता है, हर बार आप भारी बहुमत से जीत जाते हैं? नहीं, ये अलग कर्म है, आवाम की जनता की मोहब्बत है, हमारा काम करने का तरीका है, हम आवाम जनता में रहते हैं, इसीलिए हमको कामयाबी मिली। लगातार आप जीतते रहे हैं, विकास के कार्य भी आप करते रहते हैं, अब कौन से काम आपको लगते हैं जिनको आगे भविष्य में पूरा आप करना चाहते हैं? बहुत से काम है, रोड बाइडनिंग का काम है, सीवरेज लाइन डलाना है, मेट्रो का तो एक जो लाइन बची थी CM ने उसका फाउंडेशन डाल दिया है, वो तो हो जाएगा। इन सारा डेवलपमेंट कराते रहना है, स्कूल्स पर और थोड़े स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाना है, तो जनता के इशूज़ हैं, नौजवानों का बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, हमने कई वो कराए हैं जॉब फेयर, तो एक कंटिन्यूस एफर्ट तो डालना पड़ता है। आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आप सियासी समीकरणों को अपनी जुबान के जरिए बदल देते हैं, फिर जीत जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जनता की मेहनत है, पार्टी की उम्र से मेहनत है, रेट उनको जाता है।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की जरूरत है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री अपने भाषण दे रहे हैं ना दे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल कमजोर है। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के प्रमुख है, जिनका मानना है कि विकास के मुद्दों को लेकर वो चुनाव प्रचार में लगातार जाते हैं और भारी बहुमत से जीत दर्ज कर हैदराबाद से विनिंग कैंडिडेट बनते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन आनंद के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज हैदराबाद। कन्नौज पार्लियामेंटी सीट का शुमार उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में होता है। कन्नौज में चौथे मरहले में 13 मई को वोटिंग होगी। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। देखिए रिपोर्ट। इत्र की खुशबू से दुनिया भर को दीवाना बनाने वाले कन्नौज का शुमार उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में होता है। यहां तकरीबन दो दहाइयों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कन्नौज इस बार भी हॉट सीट है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ताहम गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में घुसपैठ कर ली है। 2019 के इंतखाबात में SP BSP इत्तेहाद के उम्मीदवार और SP सरबरा अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 12,353 वोटों से शिकस्त देकर SP के इस किले को मुनहदम कर दिया था। 2024 में भी एक बार फिर से सुब्रत पाठक इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी जीत के लिए पूरी तरह से पुरइत्माद दिखाई दे रहे हैं। हम जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, हम सब लोग माध्यम हैं और उस माध्यम होने के नाते हम प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम जाकर सारे लोग मिलते हैं तब जाकर देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए तो जितनी सारी योजनाएं मोदी जी ने आज लोगों को दी हैं उसका असर ज़मीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अब मुकाबला तो आप ये मानकर चलिए कि जब पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा का गठबंधन था और तब अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ से चुनाव हार गई थी, तो मैं समझता हूं कि जब एक वो बड़ा कठिन मुकाबला जब भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती तो अब तो कोई चुनौती नहीं है। हालिया सियासी मजबूती के तहत SP सरबरा अखिलेश यादव ने खुद 12 साल बाद कन्नौज सीट से दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश आवाम को यकीन दिला रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो वो कन्नौज की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा, इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नजारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुखोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पे उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया। बीजेपी और SP के अलावा कन्नौज से 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। BSP ने इस सीट से इमरान बिन जाफर को अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज पार्लियामेंटी सीट के तहत 5 असेंबली सीटें हैं जिनमें से 3 कन्नौज में और 1-1 असेंबली सीट अररिया और कानपुर देहात अजला में हैं। इन 5 असेंबली हलकों में से 4 फिलहाल बीजेपी के पास हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की वजह से आसपास की सीटों पर भी इंडी गठबंधन को फायदा हासिल होगा। कन्नौज की लोकसभा सीट पर अगर नजर डालें तो ये सीट 1967 में वजूद में आई थी। मशहूर समाजवादी लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया SP के बानी मुलायम सिंह यादव भी सीट से इलेक्शन जीत चुके हैं। राम मनोहर लोहिया ने 1967 के आम इंतखाबात में कन्नौज सीट से कामयाबी हासिल की थी। 1984 में कांग्रेस की शीला दीक्षित कन्नौज से MP मुंतखब हुई। 1996 में पहली मरतबा BJP ने यहाँ कामयाबी हासिल की और चंद्रभूषण सिंह MP बने। 1999 में SP के बानी मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज और संभल सीटों से कामयाबी हासिल की थी लेकिन कन्नौज सीट छोड़ दी थी। अखिलेश यादव 2000 में हुए ज़िमनी इंतखाब में कन्नौज से पहली मरतबा लोकसभा पहुंचे थे। फिर 2004 और 2019 में भी उन्होंने ये हलका जीता। डिंपल यादव ने 2012 के ज़िमनी इंतखाब में बिला मुकाबला इस हलके पर कामयाबी हासिल की थी और 2014 के आम इंतखाबात में भी डिंपल यादव ने मोदी लहर में ये सीट जीती थी लेकिन 2019 में वो BJP के सुब्रत पाठक से इलेक्शन हार गई थी। अब इस बार SP सरबरा अखिलेश यादव खुद इंतकामी मैदान में हैं और उनकी मौजूदगी ने इस मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। पहली बार
इस समाजवादी गढ़ माने जाने वाले किले को ढहाया 2019 में सुब्रत पाठक ने, जब वो डिंपल यादव को हराने में कामयाब रहे। अब फिर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आमने सामने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन इतिहास बनाता है और कौन इतिहास बनता है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, कन्नौज। झारखंड में चौथे मरहले में 13 मई को 4 लोकसभा सीटों खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए तमाम इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी तैयारियों पर हमारे नामनिगार देवाकर कुमार ने झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार से खास बातचीत की। झारखंड का राजनीतिक पारा इन दिनों एक बार फिर से नव वर्ष के साथ ही गर्म हो गया है और जेएमएम के विधायक गांडे से जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है सरफराज अहमद ने, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और उसके बाद जो अटकलों का बाजार है वो झारखंड में काफ़ी तेज हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी की ओर से इस बार आखिरी सम्मन मिला था उसकी तिथि भी खत्म हो गई है। उन्हें समय बताने को कहा गया था और कहां पर उन्हें जवाब देना है ये भी बताने को कहा गया था, और आज एक लिफाफे में, सील लिफाफे में ईडी ऑफिस में कागजात सीएमओ से दिया गया है। लेकिन अभी जो 5 तारीख का दिन है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर आपको अपने बयान दर्ज कराने हैं, तो वो तिथि जो है वो 5 तारीख को खत्म हो रही है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि 5 तारीख का जो दिन है वो झारखंड के लिए काफ़ी अहम है। और इस बीच जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी काफ़ी तेज हो गई है। जो कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक कल बुलाई है और उसके बाद जो महागठबंधन के विधायक हैं उनकी बैठक सीएम आवास में होगी। तो लगातार जो ये अटकलें चल रही हैं और लगातार बीजेपी की ओर से जो निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से जो लगातार ट्वीट हो रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ा है और हेमंत सोरेन पर जो गाज गिर सकती है, उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और जो राजनीतिक गतिविधियां और जो राजनीतिक पारा जिस तरीके से बढ़ा है उसको थोड़ा बल मिलता भी नजर आ रहा है। अपने सहयोगी राज मनोरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम का शोर आज शाम थम जाएगा। चौथे मरहले में 13 मई को 10 रियासतों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में आंध्र प्रदेश की तमाम 25 लोकसभा सीटों और तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके तहत बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, मगरबी बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सियासी पार्टियों को चौथे मरहले में भी वोटिंग फीसद बढ़ाने का चैलेंज दरपेश होगा। और भारत और फ्रांस के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक का 7वां एडिशन 13 से 26 मई तक अमरोही मेघालय में मुनक्किद होगा। मशक का मकसद जैली रिवायती मंजरनामे में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए दोनों फरीकों की मुश्तरका फौजी सलाहियत को बढ़ाना है। भारतीय फौज के मुताबिक मुश्तरका मशक दोनों ममालिक की मुसलह फौज के दरमियान बाहमी तावन और दोस्ती को फरोग देने में मदद करेगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने करतारपुर कॉरिडोर महसूल के मामले पर कहा है कि $20 का महसूल हमारी तरफ से नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की जानिब से लगाया गया था। ऐसे कई लोग हैं जो करतारपुर साहब के लिए जाना चाहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मसले को पाकिस्तान सरकार के सामने ज़रूर पेश करेंगे और इस पर कोई हतमी फैसला लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जुमे की रात दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। कल रात आंधी तूफान के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ तूफान के बाद कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए और सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम धरम बरहम हो गया। नोएडा सेक्टर 58 में एक इमारत की मरम्मत के लिए नस्ब शटरिंग उड़ गई और जिसके बाद एक कार को भी नुकसान पहुंचा। उसी वक्त एयर इंडिया की 2 परवाजों को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। बहरहाल इससे बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी आई है और लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। और आइए अब नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में शदीद बारिश के बायस आने वाले सैलाब में 50 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत के तर्जुमान अब्दुलमतीन कानी ने कहा है कि बगलान के 5 से ज़ायद अजला सैलाब की जद में आ चुके हैं और 150 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और उन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने इलाके में टीमें और हेलीकॉप्टर भेजे हैं लेकिन हेलीकॉप्टरों में नाइट विजन लाइट्स न होने की वजह से ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता है। इस बीच अफगानिस्तान में आज सुबह 6:16 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक इस जलजले की शिद्दत रिख्टर पैमाने पर 4.5 रिकॉर्ड की गई।
अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐलान किया गया है। अमेरिका की जानिब से कौमी मफाहमत की मंजूरी के बाद कीव के लिए ये तीसरा पैकेज है। नए पैकेज में फिजाई सलामती से मुतालिक जंगी सामान और स्टिंगर जहाज चिकन मिजाइलें शामिल हैं। अमेरिका जेवलिन मिजाइलें, ब्रैडली इन्फेंट्री गाड़ियों और फौजियों की आमदरफ्त के लिए M113 बख्तरबंद गाड़ियां भी फराहम कर रहा है। यह ऐलान अप्रैल के आखिर में शुरुआती 1 अरब अमरीकी डॉलर के पैकेज की मंजूरी के बाद किया गया है। यह पैकेज कांग्रेस की तरफ से यूक्रेन के लिए नई इमदाद पर महीनों बातचीत के बाद सामने आया है। अमरीकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑटसन ने भी यूक्रेन के लिए 6 अरब अमरीकी डॉलर के पैकेज का ऐलान किया। यूरोगोए में जबरदस्त बारिश के सबब 2000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। 524 अफराद को मखदूश इलाकों से निकाल लिया गया है, जबकि 1650 अफराद को खुद ही वहां से निकलना पड़ा। पानी भर जाने से ट्रेंटवाइस शहर में लोगों के घरों और सामानों को नुकसान पहुंचा है। कई अफराद शेल्टर होम में चले गए हैं। कौमी एमरजेंसी के डायरेक्टर ने वार्निंग दी है कि ऐसे वाकयात में इजाफा हो सकता है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के मामलों को संजीदगी से लेने की अपील की। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में दूसरे मुकाम से ही मुतमईन होना पड़ा। इस सीजन के पहले मुकाबले में नीरज का सबसे बेहतर थ्रो 88.36 मीटर रहा। वहीं चेक जमहूरिया के जैकब वाल्डेज पहला मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने 88.38 मीटर दूर भाला फेंक कर पहला मुकाम हासिल कर लिया। मुकाबले में तीसरे मुकाम पर एडरसन पीटर्स रहे। उनका सबसे बेहतर थ्रो 86.62 मीटर रहा। डायमंड लीग में हिस्सा ले रहे भारत के ही किशोर जैना 76.31 मीटर दूर भाला फेंक कर 9वें मकाम पर हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।